नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MS SSC नोट्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अमन अकेडमी पे भी पढ़ाते हैं दोस्तों, तो आप सभी अन अकेडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आप जाके मोहित शुक्ला सर्च कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो क्लिक करके फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो उसके संबंध में एक दिशा निर्देश यानी आपकी जो है गाइडलाइन को जारी किया गया है, जिसमें कि आपको ये बताया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, गुणांक कैसे बनेगा, तो सारी विभिन्न प्रक्रिया जो भी है सब चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये जो दिशा निर्देश है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है, तो अब इसमें जो दोस्तों ये चीज़ बताया गया है, पहले तो हम ये बात करते हैं आपकी शैक्षिक अर्हता, यानी कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए। तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी बीएड, बीटीसी, बीटी, बीएलएड वगैरह किए होंगे, इसमें सारी चीज़ें वही बताई गई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आपकी शैक्षिक अर्हता यही है कि आप सभी जो है जितना भी आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसके आधार पर आपको NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है। ठीक है, आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो है दोस्तों, इसमें आपकी मिनिमम जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और बात करें निवास की, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत से मेरे पास आपके बहुत ढेर सारे कमेंट भी आए कि आखिर हम निवास क्या लगेगा, किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं आपको बता दें, इसमें निवास को लेकर इसमें ये बात रखी गई है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र माने जाएंगे जो भारत के नागरिक हों तथा उत्तर प्रदेश में आवेदन की तिथि से पूर्व निरंतर 5 वर्ष से निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र का चयन एवं सत्यापन के संबंध में चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ से इस गाइडलाइन से एक बात स्पष्ट होती है कि जो यूपी का 5 वर्ष का निवासी होगा मैक्सिमम, ठीक है, तो आपका जो है मिनिमम आपका मतलब 5 वर्ष होना चाहिए कि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा आप काउंसलिंग के दौरान बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, वैवाहिक स्थिति के में ये बात रखी गई है कि ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जाएंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जैसे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, तो इन सबको जो है मतलब शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चरित्र की बात करें तो चरित्र के लिए इसमें ये बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या संघ सरकार किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित किए गए हों वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। कुल मिला के बात करें तो चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि आपका जैसा भी आपने जहाँ से प्रशिक्षण लिया, आपका कार्य व्यवहार कुशल होना चाहिए, वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि और ये भी सबसे बड़ी बात होती है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका जब वेरिफिकेशन होता है तो आपको वहाँ भी नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आपका चरित्र एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए और यही आपका जो है आपको प्रमाण पत्र बनवा के दिखाना भी पड़ेगा। बात करें रिक्तियों का निर्धारण, तो दोस्तों इसमें जो आपके 68,500 में 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से नियमावली में नियम 14 के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो और आवेदन की प्रक्रिया जो है कि आपको सभी को पता है ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी में आवेदन नहीं करेगा, ये ऑफलाइन आपका है नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा है। और इसमें जो है आपका दिया है कि 68,500 सहायक अध्यापकों को हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 अभ्यर्थियों को विद्यालय में नियुक्त किए जाने के संबंध में ये जो आपका विज्ञप्ति जारी होगी कि यानी कौन कौन सिलेक्ट हुआ, किसका किसका चयन हुआ, तो ये आपका समाचार दिया है दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन कराया जाएगा, इसी के माध्यम से आपको ये चीज़ें भी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी।
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको आवेदन कहाँ से करना है, किस प्रकार से करना है, तो हम आप सभी को यहाँ बता देते हैं कि आपकी ये जो वेबसाइट है upbasicedubo.gov.in, इस पर जाकर आपको अपनी स्पष्ट प्रविष्टियाँ भरनी हैं। कहीं भी आपको त्रुटि नहीं करना है, यदि आपने एक भी चीज़ गलत की तो आप बिल्कुल आवेदन में संशोधन बाद में नहीं कर सकते हैं और आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन ई आवेदन करना है। अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु 68500 में जो पद आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें आपको अनुक्रमांक, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल पर OTP आएगा, ठीक है। OTP के बाद क्या करना है, आवेदन पत्र में आपको प्रविष्टियां भरने का ऑप्शन आ जाएगा और विशेष रूप से ये बताया गया है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ प्रदर्शित हो जाएंगी, जिसमें कि किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि यदि आपने एक भी चीज़ गड़बड़ी की तो आपका इसमें परिवर्तन नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको भरिएगा। और चयन नियुक्ति प्रक्रिया जो है आपका सभी पता है ऑनलाइन के माध्यम से होगा और आप इसमें जो है पूरे 75 ज़िले जो भी हैं आप उसको वरीयता दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं हम आपको बता देते हैं, चयन समिति वगैरह तो यही सब दिया है कि आपका चयन कौन कौन करेगा, ये कहाँ कहाँ आपका लेटर जाएगा, प्राचार्य जिला एवं शिक्षण संस्थान जो है जिला बेसिक अधिकारी के पास और संबंधी, ये सब मतलब जो है आपका चयन में कहाँ कहाँ पे आपकी जो चयन समिति बनाई जाएगी ये सब चीज़ें बताई गई है। तो आपके काम की चीज़ यहाँ पे है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं। अभ्यर्थी का चयन एवं नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के द्वारा चयनोपरांत अध्यापक की तैनाती 2008 के अनुसार किया जाएगा, यानी जो सेवा नियमावली है। और इसमें निर्धारित जो भी निर्धारित किए जाएंगे सेवा अध्यापक के लिए उसकी मेरिट कैसे बनेगी, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कैसे आपका गुणांक जुड़ेगा, कितना नंबर आपको लेना है, इस चीज़ को आपको एकदम स्पष्ट भरना है। देखिए इसमें साफ सब लिखा है, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी हाई स्कूल में आपने जितने अंक पाए हैं उसका 10%, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और BTC सभी का आपको जो है परीक्षा के प्राप्तांक का 10% निकालना है, ठीक है। लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती में आपका जो है 60% लेना है। इतना चीज़ मेरे ख्याल से अब सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि अब सब आप लोग नियुक्ति लेने जा रहे हैं तो इतना जानकारी आप लोग बहुत पहले से रख रहे हो, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है भारांक की, तो दोस्तों इसमें भारांक की बात ये रखी गई है कि प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक जो भी कम होगा, यानी कि जो इसमें शिक्षा मित्र हैं, फिलहाल तो भारांक शिक्षा मित्र को ही मिलेगा, BTC को तो मिलना नहीं है, तो उनको प्रत्येक, यानी उन्होंने एक साल पूरा किया है, अगर उन्होंने प्रशिक्षण लिया तो उन्हें 2.5 अंक का भारांक एक साल का मिलेगा। उसी के आधार पर उन्होंने जितने साल उन्होंने जॉब की या जितना भी उन्होंने शिक्षण किया तो उसी के आधार पर उनको जो है भारांक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको बता देना चाहते हैं कि अब इसमें ये बताया गया है, यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो आयु में श्रेष्ठ होगा उसको ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, यानी कि यदि आपका भी गुणांक उतना है और आपके किसी एक मित्र का भी गुणांक उतना है लेकिन उसकी जन्मतिथि आपसे ज़्यादा है, यानी कि वो आपसे बड़ा है, तो उसमें जो है पहले उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉमन है, ठीक है। और कैपिटल लेटर वाला भी है जो अल्फ़ाबेटली मतलब उस तरह से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिलहाल ये सब चीज़ें तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये जो चीज़ें बताई हैं किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया है, तिथि निर्धारित कर दी गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, भरने की अंतिम तिथि दोस्तों 28 तक है, 28 के पहले पहले आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। आवेदन परान जो है डेटा प्रोसेसिंग की जो है अपनी डेट है 31 है और जनपदों के में काउंसलिंग आयोजन 1 से 3 सितम्बर तक होगा और नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल जाएगा 5 सितम्बर यानी शिक्षक दिवस के दिन, ठीक है। ये अभी जो है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के द्वारा ये अभी विज्ञप्ति और ये गाइडलाइन जारी की गई है कि आपको इसमें क्या क्या देखना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम आपको सेंड कर देंगे। तो आप इसको विस्तृत रूप से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। और आपका ये भी बता दें, अभ्यर्थी दिनांक 31/8 को ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयोग में लाई गई वेबसाइट upbasicedubo.gov.in या फिर इसकी जो वेबसाइट है upbev
www.ssc.org पर 41,500 सहायक अध्यापकों की चयनोपरांत नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका जो चयन हो जाएगा तो आपको इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन कहाँ हुआ है, किस जगह पे हुआ है, ठीक है। तो सारी जो सूचना है आपको इस वेबसाइट मिल जाएगी। बाकी दूसरी सूचना हम आपको हमेशा प्रदान करते रहेंगे अपने चैनल पे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाइएगा, मिलेंगे एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।